नमस्कार, सरकारी योजना में आप सबको स्वागत है। इस वक्त की बिहार सरकार की तरफ से बिहार न्यू राशन कार्ड आवेदन के रिगार्डिंग जो है सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार सरकार ने अभी अभी जो यहां पर ऐलान कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है अब राशन कार्ड से वंचित नहीं रहेंगे। अगर आपको किसी कारणवश जो है नया राशन कार्ड नहीं बना है, नहीं घर पर पहुँचा है, नहीं आप लोग राशन का उठाव करते हैं, आप लोग को राशन नहीं दिया जाता है, आप लोगों के लिए जो यहाँ पर बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर जो है निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार सरकार ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि छूटे हुए परिवारों को जो है अब नया राशन कार्ड जो है बनाया जाएगा और वितरण भी किया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति जो है पात्र व्यक्ति जो है अब राशन कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। सभी का जो यहां पर स्टेप बाय स्टेप जो यहां पर राशन कार्ड बनाया जाएगा और राशन का वितरण भी किया जाएगा और नया राशन कार्ड भी आप लोगों को घर पर पहुँच जाएंगे। तो आप लोगों को नया राशन कार्ड जो है कहाँ से और कैसे जो है कब से जो यहाँ पर बनेंगे स्टेप बाय स्टेप जो आप लोगों की मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप राशन कार्ड से वंचित हो गए, अगर आपको अभी तक नया राशन कार्ड नहीं बना है, नहीं आपको घर पर पहुंचा है, नहीं आप लोगों की यहां पर राशन मिलता है, तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो आप लोग की मैं जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए और बगल बेल घंटी आ जाएगा, उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके हम सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसे में यहां पर आप लोग देख सकते कि यहां पर साफ साफ बताया गया कि छूटे हुए परिवारों को बनाया जाएगा नया राशन कार्ड। अब देखिए यहां पर क्या क्या जो यहां पर कंडीशन जो यहां पर लगाया गया है, यहां पर आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो यहां पर आप लोग समझ लीजिए कि ऐसे गरीब परिवार जिनका किन्हीं कारणवश राशन कार्ड नहीं बन पाया है वह अपना कार्ड जो है बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आरटीपीएस काउंटर पर फॉर्म जमा करना होगा। हालांकि अधिकारी और कर्मचारी ऐसे लोगों की सूची जो है तैयार कर रहे हैं, यानी कि जो भी गरीब लाभुक परिवार जो है राशन कार्ड से वंचित हो गए, उनका अभी तक नया राशन कार्ड नहीं बना है, नहीं घर पर पहुंचा है, वैसे गरीब लाभुक परिवार के लिए, वैसे व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर या अधिकारी एवं कर्मचारी जो है वैसे लोगों के लिए जो यहाँ पर सूची तैयार कर रहे, जहां से राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत मिली है, यानी कि जहां जहां से यहां पर राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत मिली है वहां का जो है यहां पर सूची जो है तैयारी करने में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जो यहां पर जुट गई है। डीएम कुमार रवि के निर्देश पर अधिकारी वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो राशन कार्ड के लिए योग्य है, यानी कि यहां पर अधिकारी एवं कर्मचारी वैसे लोगों के लिए जो यहां पर चिन्हित कर रहे हैं जो यहां पर राशन कार्ड बनवाने के लिए यहां पर योग्य की पात्र है। हालांकि कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों को कार्यालय में शिकायत की है कि उनके परिवार के कई लोगों को राशन कार्ड में नाम नहीं है, शिकायत के बावजूद सुधार नहीं हुआ है। इसके बाद डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी ऐसा गरीब नहीं बचना चाहिए जो योजनाओं को लाभ से वंचित हो। साथ ही यह भी सावधानी बरतने को कहा है कि अयोग्य लोगों का राशन कार्ड नहीं बने अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है, यानी कि यहाँ पर साफ साफ निर्देश दिया है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा गरीब नहीं बचना चाहिए जो योजनाओं के लाभ से जो यहाँ पर वंचित हो। जैसे में आप लोगों को पता होंगे कि राशन कार्ड बन जाने के बाद जो यहाँ पर कई तरह की जो यहाँ पर सरकारी योजनाएं के लाभ जो है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि कोई भी ऐसे गरीब लाभुक परिवार जो ना हो जो यहाँ पर राशन कार्ड से वंचित हो एवं सरकारी योजना के लाभ से जो है वंचित हो, राशन कार्ड से वंचित व्यक्ति को जो यहाँ पर नया राशन कार्ड जो है बनाया जाए। अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है कि बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके कुछ ही सदस्यों का नाम जो है राशन कार्ड के लिए जोड़ा गया है, जबकि शेष परिवारों का नाम जो है छोड़ दिया गया है, जिससे जो उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। यानी कि यहाँ पर ये भी शिकायत गया है कि बहुत सारे लाभुक परिवार जो यहाँ पर राशन कार्ड बनवा चुके हैं जिनका जो है राशन कार्ड में कम ही सदस्य का नाम जो है यहाँ पर ऐड किया गया है और शेष परिवार का नाम जो है यहाँ पर छोड़ दिया गया है। यानी कि मान गए कि जैसे आपका फैमिली में 7-8 मेंबर है जिसमें से जो है 2-3 मेंबर का नाम ऐड किया गया है, 4-5 मेंबर का नाम जो है छोड़ दिया गया। इस प्रकार से कई शिकायतें जो है
मिली है। इस पर जो है बहुत ही बड़ा जो यहाँ पर फैसला लिया गया है और साफ साफ बताया गया है कि छूटे हुए परिवारों को जो है नया राशन कार्ड बनाया जाएगा। आप लोग की नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आप लोग की अपने ब्लॉक RTPS काउंटर पर जो है आप लोग को नया राशन कार्ड बनाया जाएगा। आप लोग को नया राशन कार्ड बनाने के लिए प्रपत्र क फॉर्म को फिलअप करके आप लोग को सारा डॉक्यूमेंट लगाकर जमा करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। आप लोग उस वीडियो को देखकर आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकती है। और यहाँ पर केंद्र सरकार का जो है यहाँ पर ऐलान है कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब राशन कार्ड में सेक्स वर्कर्स का भी जुड़ेगा नाम, जाने किस राज्य में जो है मिलेगी ये सुविधा। यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने अभी अभी जो यहाँ पर ऐलान कर दिया, जैसे में यहाँ पर देख सकते कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम कोरोना की दूसरी लहर में सेक्स वर्करों को पास राशन कार्ड नहीं होने से राशन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सेक्स वर्करों के लिए विशेष इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने यहाँ पर साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब जो है सेक्स वर्करों को भी यहाँ पर नाम भी जोड़ा जाएगा राशन कार्ड में। अब यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि देश के कई राज्यों में इस समय लॉकडाउन लागू हो रखा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर्स तबाह हो गए हैं। ऐसा ही एक सेक्टर से सेक्स वर्करों का कारोबार सेक्स वर्करों को कोरोना की दूसरी लहर में खाने के लाले पड़ गए हैं। सेक्स वर्कर्स के लिए कई राज्य सरकारों ने जरूरी इंतजाम तो किए हैं लेकिन वह नाकाफी साबित हो रहा है। आपको बता दे तो पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने इन सेक्स वर्करों के लिए केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक निर्देश जारी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्य सरकारों को सेक्स वर्करों को भी राशन कार्ड बनाकर राशन उपलब्ध कराने का भी यहाँ पर आदेश जारी किया था। लेकिन कई राज्यों ने इस पर अमल भी शुरू किया लेकिन कुछ राज्यों ने स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। यानी कि कई जो है ऐसे राज्य है इसका स्थिति जो है अभी तक जो है यहाँ पर स्थिति में सुधार नहीं आई है। कोरोना की दूसरी लहर में सेक्स वर्करों को राशन ठीक से राशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सेक्स वर्करों के लिए विशेष इंतजाम करने की भी यहाँ पर हिदायत दी गई है। आप देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि सेक्स वर्कर्स भी अब जो है फ्री में जो है राशन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि देश के सभी राज्य सरकारें इन सेक्स वर्करों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन मुहैया कराएगी। सेक्स वर्करों को इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका से विकल्प जो है दिया गया है। राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन को इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सेक्स वर्करों की पहचान जो है और पते को गोपनीय रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि यहाँ पर सेक्स वर्करों को भी यहाँ पर मुफ्त में मिलेगा राशन। ये भी जो है यहाँ पर केंद्र सरकार ने यहाँ पर ऐलान कर दिया कि राज्य सरकारें अब इन लोगों को फ्री में हर महीने राशन उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। इस बाबत के देश के कई राज्य सरकारों ने नोटिस जारी किया है। झारखंड सरकार ने भी राज्य के सभी उपयुक्त उपायुक्त को सेक्स वर्करों के लिए विशेष बंदोबस्त करने को कहा है। सेक्स वर्कर्स इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आने की यहां पर राज्य की जिला आपूर्ति कार्यालयों, प्रखंड आपूर्ति कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में आवेदन किए जा सकते हैं। झारखंड सरकार ने भी अपनी वेबसाइट और दूसरे कई पोर्टल पर आवेदन को कहा है। झारखंड सरकार के यहाँ पर वेबसाइट जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है झारखंड सरकार ने जो यहाँ पर ये जो है वेबसाइट लॉन्च की है। यहाँ पर सेक्स वर्करों ने जो यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो है बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार ने ऐसी अभी तक जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो यहाँ पर सुविधा जो अभी तक जारी नहीं किया है। यहाँ पर साइट पर जो लिंक जो यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है लेकिन जो है उस लिंक को जो है अभी तक चालू नहीं किया है। वहाँ पर लिंक को जारी कर दिया लेकिन लिंक को जो यहाँ पर चालू नहीं किया गया। हो सकता है आने वाली भविष्य
में जो है उस लिंक को जो यहाँ पर चालू कर दिया जाए, तो आप लोग जो है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से जो है नया राशन कार्ड के लिए जो है आप लोग बिहार में भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कई देश के कई राज्यों में जो यहाँ पर राशन कार्ड के लिए जो है आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसे में झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें जो आप लोग ऑनलाइन आवेदन जो है राशन कार्ड के लिए घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। लेकिन बिहार में ऐसी सुविधा जो है बिहार सरकार ने जारी नहीं की है, आने वाली भविष्य में हो सकता है तो उस लिंक को जो यहाँ पर चालू कर दिया जाएगा। यही जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से जो एक खबर निकल कर आ रही थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।